हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल मु सुनीता आपण मानको स्वागत जनाउछि मो चैनल सुनीता जोजो ब्लॉगर तो आपण माने चैनल नुआ छन जदि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब जमाई भूलिबेनी पाखरे थिबा बेल बटन को क्लिक कर देबे जा फलर मो वीडियो रे सब नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। तो आपण माने साधारणत भोजन करुछन्ति किंतु केउ दिग को भोजन करले हमर शुभ होइता एवं केउ दिग को मुह करी भोजन करले अकाल मृत्यु होइता तो सेइ विषय रे आज आछि आपण मानन पई गुडा सुंदर टिप्स वीडियो अछि तो चालंतु वीडियो टी आरंभ करबा। भगवान श्रीकृष्णक अनुजाई तीन प्रकार भोजन विष समान होइता एपरी भोजन मनुष्यर आयुष को कम करिता एवं एहा द्वारा मनुष्य को अनेक समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ता है। एपरी भोजन को ग्रहण करने द्वारा तार जीवन को दुर्भाग्य आसी थाए एवं दारिद्रतार जीवन बीतवाक पड़ता है। पुराण एवं शास्त्र अनेक भोजन विषय वर्णना कर पुराण रे एभली अनेक नियम विषय वर्णना कराई जहाँ मनुष्य मानिले मनुष्य खूब सहजरे दुनिया रो सबु भौतिक सुख को प्राप्त करने सहित निजर आयुष को मध्यम बढ़ाई पार। पुराण रे अनेक प्राचीन मुनि ऋषि दीर्घ आयुष किभली बंचुले से ही विषय वर्णना कराई। हिंदू धर्म रे 18 महापुराण मध्य गरुण पुराण अन्यतम अटे। यह व्यतीत माता लक्ष्मी एवं अन्नपूर्णा आशीर्वाद रही थाए जहाद्वारा घरे केबे धन एवं अन्नर अभाव हुए ना। भगवान श्रीकृष्ण सुलभ अनुजाई मनुष्य तीन प्रकार भोजन सेवन करवा उचित नुहे। यह अभिशाप सदृश होवन करने द्वारा आयुष कमी था स्वास्थ्य खराब होता है। भगवान श्रीकृष्ण अनुजाई से भाई खाद्य प्रेतात्मक होता है जो थे भगवान श्रीकृष्ण एवं गरुड़ संवाद विषय वर्णना कर। श्रीकृष्ण गरुड़ को जीवन एवं मृत्यु संबंध में अनेक महत्वपूर्ण उक्ति व्यतीत गृहस्थ्य सम्बन्धी आचार विचार एवं भोजन सम्बन्धी अनेक नियम विषय कही आज आम आपण मानक गरुड़ पुराण में भोजन सम्बन्धी नियम विषय कहू। प्रत्येक मनुष्य को भोजन करने समय किसी विशेष कथा प्रति ध्यान देवा आवश्यक होता है। भगवान श्रीकृष्ण अनुजाई यही संसार रे प्रत्येक मनुष्य को बचापाई कार्य करने शक्ति आवश्यक जहाँकि खाद्य रू मिलता है। तेणु मनुष्य प्रत्येक दिन भोजन करने आवश्यक किंतु यही समय शास्त्र में वर्णित किसी नियम पालन करने आवश्यक यहाद्वारा देवादेवी प्रसन्न हो आशीर्वाद दिखती। जदि मनुष्य एभली खाद्य को भूल ग्रहण करता है तेरे खूब कम समय रे तार मृत्यु हो जाए। श्रीकृष्ण अनुजाई मनुष्य निजर पांच आंगुठी दुई हाथ एवं दुई गोड़ को सफा कर भोजन करने उचित एहा द्वारा मनुष्यर शरीर रोगमुक्त होता है व्यक्ति दीर्घायु होता है। भोजन करने पूर्व भगवान को धन्यवाद देवा उचित होता है। काम संसार सबु प्राणी मध्य करिबा उचित होता है। खट उपरे बसी एवं घर द्वार रे भोजन कले रोग उत्पन्न एवं मनुष्यर आयुष कम होता है। माता लक्ष्मी रुक्म रुष्ट होता हाथ में धरी चली चली भोजन कले जीवन रे दारिद्रता आसी थाए। भोजन समय रे दक्षिण दिग को मुह कर भूल भोजन करने उचित नुहे। भोजन करने सर्वोत्तम दिग पूर्व दिग एवं उत्तर दिग होता है। दिगरे मुख कर भोजन कले उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति होता है। स्वास्थ्य समस्या व्यक्ति पूर्व दिग को मुख कर भोजन कले शरीर विकार नष्ट होता है। जदि कही व्यक्ति कौन सी भोजन उपर दे डेई चली जाती कि पाद पकाई चली जाती से ही भोजन अशुद्ध हो जाए एवं से ही भोजन को सेवन कले मनुष्यर आयुष कम होता है। शरीर भिन्न भिन्न रोग सृष्टि होता है। भोजन रु चुट्टी बाहर ताशुद्ध होता है तेणु से ही भोजन खाइबा वर्जित होता है। तो आज टिप्स टी वीडियो टी केमती लगला निहाते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। तो पुणी देखाबो आगामी वीडियो रे से पर्यंत रहूची। जदि चैनल रे नुआ छथि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे जमाइ भूलिबेनी पाखरे थिया बेल बटन को क्लिक कर दे जा फलर मो वीडियो सब नोटिफिकेशन आपण माने पाइ परिबे। तो रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।